बरेली स्थित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय परिसर में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षकों ने अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना है कि योगी सरकार उनकी मांगों को लेकर उदासीन है। प्रदर्शनकारी शिक्षकों की मुख्य रूप से पुरानी पेंशन बहाली, मुफ्त चिकित्सा सुविधा, वित्त विहीन स्कूलों के शिक्षकों को समान कार्य समान वेतन समेत कुल 17 मांगे रखी गई हैं। शिक्षकों का कहना है कि उनके वेतन में की गई कटौती जो केंद्र सरकार को जमा करनी है या फिर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए, देरी की स्थिति में ब्याज के साथ रकम शिक्षकों को आवंटित की जाए। संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर नरेश सिंह ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन तत्काल प्रभाव से बहाल करे और विद्यालयों को केवल एक ही पाली में संचालित कराए। वहीं प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर सुभाष चंद मौर्य ने कहा कि संघ की जो मांगे हैं वह सभी शासन स्तरीय हैं, जो हमारे माध्यम से शासन के लिए तत्काल भेज दी जाएंगी। देखिए, जो संघ द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया गया है वो 17 बिंदुओं पर है इनके, और ये सारे जो बिंदु हैं जो इनकी मांगे हैं वो शासन स्तर से ही इसका निराकरण होना है। तो अब ये जो है आज इनका प्रस्ताव हम भेज देंगे, जिससे कि अब जो भी निर्णय लिया जाएगा वो शासन स्तर पर ही लिया जाएगा। थैंक यू। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर आज धरना जो है आयोजित किया गया है। हमारी कुछ बहुत पुरानी मांगे हैं जो सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रही है। 17 मांगों का हमने ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित जिला विद्यालय निरीक्षक जी को जो है सौंपा गया है। तो जो पहली मांग है हमारी कि जो 1 अप्रैल 2005 से बाद के टीचर या कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू की जाए। दूसरा है कि निःशुल्क जो चिकित्सा सुविधा है वो राज्य कर्मचारियों को तो है लेकिन हम शिक्षकों के लिए नहीं है, ऐसा भेदभाव क्यों? और आगे जैसे महिलाओं के लिए कुछ अवकाश जो है वो हैं लेकिन अवकाश में उनकी जटिलता है, तो वो अवकाश अनिवार्य रूप से जो है वो उपलब्ध कराया जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जो एक हमारे यहाँ जो समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, जो वित्तहीन शिक्षक है हमारे विद्यालयों के उनको जो है समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग है। एक मांग और है जो हमारी मांग है बहुत पुरानी है कि जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको जो है सरकार ने जो है जब से उनकी नौकरी है तब से नहीं माना है, उनको भी पुरानी पेंशन की जो है व्यवस्था की जाए।